मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बारिश का महीना अब शुरू हो चुका है, लेकिन हर बारिश के महीने में झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए काफी तकलीफ होती है। बारिश तो आती है, लेकिन अपने साथ कई परेशानियां भी लेकर आती है, जैसे नालों का भर जाना, बिजली की तार टूटकर पानी में गिर जाना, जिससे करंट भी लग सकता है। ऐसे ही शिरफाटा ग्रीन पार्क इलाके में ग्रीन चौल मरहबा चौल है, जहां पर आसपास बहुत गंदगी है और आसपास एक ट्रांसफार्मर भी है, जिसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया है, जिसके टूटने का अब चौल वालों को डर है। चौल वालों का कहना है कि ट्रांसफार्मर अब तेज बारिश के चलते टूटकर गिर सकता है, क्योंकि वो एक ही पिलर पर टिका हुआ है, और पानी भर जाने पर अगर ये गिरता है तो पानी में करंट भी उतर सकता है, जिसका खतरा बना रहेगा, जिससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है या किसी की भी जान जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? चौल वालों ने स्थानीय नगर सेवक से बार बार अपील की है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही चौल के आसपास नाले भी है जो बारिश के चलते भर जाते हैं, और चौल के लोगों को काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। ये भी शिकायत है कि ज्यादा कचरा होने के कारण तरह तरह की बीमारियां भी हो सकती है। कचरा साफ करने के लिए टीएमसी वालों को ये शिकायत डाली गई थी कि एक कचरे का डब्बा उस इलाके में रखा जाए, लेकिन उसकी भी सुनवाई नहीं हुई है। सुनिए इस पूरे मामले में शासन प्रशासन से अपील करते हुए चौल में रहने वाले लोगों ने क्या कहा है। भाई, मेरा नाम हैदर अली अंसारी है, मैं सिलफाटा ग्रीन पार्क ग्रीन चाल में रहता हूँ। मेरा सरकार से ही अपील है कि इस जगह पे आज मुझे 7 साल हो गया रहते हुए, मैंने नगर सेवक से मिलकर के बोला, भाई थोड़ा हमारे एरिया का ये कचरा हुआ, लाइट का ये डब्बा हुआ, ट्रांसफार्मर का, ऐसी चीज़ सब गलत हो रहा है। बारिश में यहाँ इतना बारिश पानी आता है, इतना तेज़ बारिश आता है, इतना पूरा नाला किया है, बाहर जाने में आदमी को पब्लिक परेशान होते हैं, बच्चे लोग को स्कूल जाना प्रॉब्लम पड़ता है। उसके बाद जो है कोई म्यूनसिपाल्टी ना आती है, न देखती है, न कुछ करती है। म्यूनसिपाल्टी अपना लाइट वाले आते हैं, कुछ काम होता है अपना, इनको बना करके अपना वो चले जाते हैं, किसी को भी पता नहीं रहता है क्या प्रॉब्लम है। यहाँ लाइट भी टूट जाता है, वायर टूट जाता है, पानी में लाइट उतर जाता है। यहाँ बच्चों लोग को कोई कभी से कभी हादसा हो सकता है। मेरा अपील यही है कि हमारा ये सब काम 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर करके देवें, ना बारिश में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अपने को। हम लोग यहाँ चाली में रहते हैं, यहाँ कोई सुनवाई है नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना नगर सेवक है या कोई भी है, कोई आता है तो देख के चला जाता है। और ये नाले में बारिश में इतनी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे आना जाना मुश्किल हो जाता है, जाने में बच्चों के लिए डूबने का जरिया भी बन सकता है। और एक महत्व तो यह है कि आदमी बह जा रहा था, उसको पकड़ लिया गया है, और ये अपना जो बनाया गया ये अपने पैसे से बनाया गया है, आप हम लोग चंदा करके बनाए हैं। और ये ट्रांसफार्मर में जो पड़ा हुआ है उसका मिट्टी नीचे से गिर गई है, वो गिरने वाला है, आपकी बारिश में रहेगा नहीं, ये सब प्रॉब्लम है। और यहाँ कचरे का जो मामला है, यहाँ कोई बीएमसी वाला कोई आता नहीं है, और ना कोई ये नगर सेवक कुछ करता है। कचरे डब्बा रखाने के लिए भी बोले थे, वो नहीं किया, ये सब प्रॉब्लम है। और हम सरकार यहाँ के एक नगर सेवक से अपील करते हैं कि वो इसके ऊपर तवज्जो दे, और पूरी चाली एकदम परेशान रहती है, हर हाल में परेशान रहती है, लाइट भी नहीं रहती है, और यहाँ पानी का भी प्रॉब्लम है, सब कुछ है पर प्रॉब्लम हमारा, किसे कहा जाए, गरीबों को कौन सुनने वाला है। इसलिए हम अपील करते हैं कि इसके ऊपर तवज्जो दिया जाए, और ये बारिश के पहले इसका कोई काम कर दिया, मसला हल कर दिया जाए। अब इस तरह ये नाले के जो हालत देख रहे हैं आप, यहाँ से मैं देखा, वो साइड से देखिए आप, हाँ, ये नाला कम पिछले 2011-12 से ये नाला कम से कम 12 से 14 फीट चौड़ा था, और वो पीछे से पूरे नाला छोटा होता होता आज तो नाला गायब हो गया है। और ये नाला का सिर्फ आपको नक्शे में दिखाई देगा तो तरह तरह का नक्शा है उधर। अगर ऑफिसर को बुलाता हूँ मैं, पाठक साहब को बुलाया, और तुम्हारा पिछले साल जगताप सर थे, उन्होंने भी सर्वे करके गए थे, जगताप सर में सब किया, आगे लोगों ने नाला पूरा जाम कर दिया, पूरा नाला फेक हो चुका है। और वहाँ पर अगर हम जाके बोलते हैं, हमने नगर सेवक से भी कहा तो नगर सेवक हमको सीधा बोलता है कि वो जगह उनके बाप दादा की जगह है, नाले की कोई जगह नहीं है। तो ये पानी जो पहाड़ से आता था, वो नाला अपने रास्ता जो बनाता बनाता गया, तो लोगों ने उसके ऊपर अपनी खुद की प्रॉपर्टी बना दी है।
अब आगे रास्ता नाले का बोलते है ही नहीं यहाँ पर। तो ये पानी जो आता है ये नाले के रास्ते के हिसाब से अब ये पूरा मेन रोड से चला जाएगा, जहाँ पर बच्चे बहते बच्चे गिरते। मेरे पास पिछले साल की फोटो भी होंगी तो दिखा दूंगा मैं, ये पूरा पानी इसके अंदर चले जाता है। ये हालत देख रहे हो इसकी आप, और सारे लोग की परेशानी होती है। ऐसा नहीं कि म्यूनसिपलिटी वाले आते आश्वासन देते चले जाते, हर को हर किसी का ये आलम है। ये टोरेंट वाले जो है टोरेंट तो ये साल आया है, पिछले साल से है, इसका कोई इशू नहीं है। हमको तो म्यूनसिपलिटी जो है TMC वाले नाला कभी नहीं बनाएंगे। वो लोग सिर्फ बोलते आते हो नाला साफ़ करते, सिर्फ नाम के लिए जैसे भी बुलाते हो लोग, थोड़ा सा साफ़ करेंगे चले जाएंगे। पिछले कम सफाई नहीं करते बराबर, सफाई थोड़ा ही की हो लोगों ने। आगे वैसे की वैसे कचरा है, ये पूरा कचरा देखो, पूरा मट्टी उट्टी यहीं उठा के फेंक देते हो लोग, जिससे तरह तरह की बीमारी होती है। दवा करने के लिए बुलाएंगे, आते हल्का सा दवा करेंगे चले जाएंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।